हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद मनु पर। और आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की सूखी सब्जी, जिसे कि टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं। एकदम परफेक्ट सी और टेस्टी सी और क्विक सी ये सब्जी है। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया है लगभग 2 बड़े चम्मच जितना तेल। तेल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो ये प्याज जो है मैंने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट की हैं। 2 छोटी वाली प्याज ली हैं, इन्हें बड़ा कट करके मैंने डाल दिया है। यदि आप चाहें तो छोटा कट करके भी डाल सकते हैं। 1-2 मिनट हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। जब ये हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाती है तब हम इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्चें। तो यहाँ पे 2 हरी मिर्चें मैंने इस तरीके से बड़ी कट करके ले ली है और लहसुन 8-10 छोटी वाली लहसुन है, इसीलिए 8-10 ली हैं, इन्हें भी डाल दिया है। यदि आपको इनका टेस्ट बड़ा जो है पसंद नहीं है, दांतों के नीचे आता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप छोटे छोटे बारीक पीसेस में भी कट कर सकते हैं। पर इस सब्ज़ी में इसी तरीके से थोड़े बड़े रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हल्का सा गोल्डन जो है हम इन्हें कर लेंगे। तो जब प्याज और लहसुन हल्की सी गोल्डन हो जाएंगे तब हम इसमें यहाँ पे 1/2 किलो के बराबर टमाटर डाल देंगे। तो बिल्कुल लाल टमाटर लिए हैं मैंने, बीच से इस तरीके से इनमें कट लगा कर ले लिया है। तो ये लगभग मैंने 6 टमाटर जो है लाल वाले ये ले लिए हैं। तो जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टमाटर हो तो आप इस क्विक सी सब्जी को जो है बना करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले टमाटर को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब टमाटर हल्के हल्के से फ्राई होने लगे तब हम इन्हें इस तरीके से हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। तो ये जब इसी तरह सब्जी में मैश होते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और यदि आप चाहें तो थोड़े बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं, जैसे बीच से कट करके 4 पार्ट में टमाटर को लेकर के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जब ये हल्के से फ्राई हो जाते हैं तब हम इनकी जो स्किन है वो निकलने लगती है। तो आप यदि चाहें तो टमाटर की स्किन भी निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंपलसरी जो है नहीं है। तो इसी तरीके से जो है मैंने यहाँ पे इसे देखिए मैश कर लिया है हल्का हल्का सा और इसे कुक करते जा रहे हैं हम। तो यहाँ जो भी बड़े पीस हैं उन्हें हल्का सा चम्मच से दबाते हुए हमें छोटा करते जाना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से कुक कर लिया है और अब हम यहाँ पे मैशर की हेल्प से इन्हें कम्प्लीटली मैश कर लेंगे। तो इस प्रोसेस में जो है लहसुन, हरी मिर्च और प्याज है वो भी हल्की सी जो है मैश हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस सभी चीज़ों के लिए थे। ऑयल जो है मैंने बहुत कम यूज़ किया है, पर इस जो रेसिपी है सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है, पर मैंने उतना नहीं डाला है, इसीलिए लास्ट में सब्ज़ी में ऑयल जो है नहीं निकलेगा या बहुत कम निकलेगा। तो इस तरह यहाँ पे सारे टमाटरों को मैंने मैश कर लिया। बिल्कुल बारीक मैश नहीं करना है, हल्का सा दरदरा वाला मैश करना है। कुछ पीसेस यदि टमाटर के रह जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसका जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसमें 1/2 छोटा चम्मच जितना जो है नमक डाल दिया है, इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अभी जो है टमाटर में हल्का सा कच्चापन है, इसे और हम फ्राई करने वाले हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो इस तरह लगातार चलाते रहेंगे। तो सब्ज़ी की जो क्वांटिटी है लास्ट में बहुत ही कम हो जाती है, इसीलिए मैंने टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ली थी। और ये जो टमाटर लिए थे मैंने लाल वाले टमाटर लिए थे, ये कम खट्टे होते हैं। अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर डाल दिया है 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर डाल देते हैं हम 1/2 छोटा चम्मच। अच्छी तरीके से जो है इन्हें मिक्स कर लेते हैं। तो हल्दी पाउडर में थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स हो गया है, इसीलिए मैं गरम मसाला अलग से नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक साथ ही डाल दिया हल्दी पाउडर और गरम मसाला। तो आप यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ लगातार इसे मीडियम फ्लेम पे रख के चलाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरीके से फ्राई नहीं हो जाती, सूख नहीं जाती, टमाटर का मॉइस्चर कम नहीं हो जाता। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह जो है इसे कर लिया है फ्राई। और अब हम इसमें डाल लेते हैं धनिया पत्ता।
तो ये धनिया पत्ता जो है मैंने अभी तुरंत धोया है, इसीलिए इस तरह दिखाई दे रहा है। इसे धो करके मैंने बारीक कट कर लिया है। अब देखिए सब्जी हमारी पूरी तरीके से सूख गई है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली अब हो चुके हैं रेडी। बस हाई फ्लेम पे 1 मिनट और भून लेते हैं। ऑयल यदि हम ज़्यादा डालते तो ऑयल भी इससे निकल आता, तो गैस का फ्लेम ऑफ करके अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। तो है ना एकदम टेस्टी सी, इजी सी, बिल्कुल चटनी की तरह ये रेसिपी है, और ये ज़रा सी जो है सब्ज़ी हो जाती है। तो जब भी आपके पास टमाटर एक्स्ट्रा हो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे ये जो छिलके दिखाई दे रहे हैं टमाटर के, इन्हें हम पहले ही निकाल सकते थे। तो बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।